नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के बाद से आपका करंट अफेयर तैयार करने का तरीका बिल्कुल बदल जाने वाला है। अब से आपको करंट अफेयर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग की डिमांड पर आप लोग को कैसे पढ़ने में अच्छा लगे और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट ज़्यादा समय के लिए तैयार कर पाओ और किस प्रकार से आप सारे कॉन्टेंट एक जगह पढ़ जाओ, इसके लिए एक खास तौर से ई बुक तैयार करवाई गई है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भूल जाइए इससे पहले कि जो भी ई बुक आई थी जिस प्रकार से आती थी, ये फॉर्मेट बिल्कुल उससे चेंज है। तो आप लोग सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख करके मत सोचिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और यकीन मानो हमारी किसी भी ई बुक में ऐसा कॉन्टेंट अभी तक नहीं आया था। अब तक हमारी जो भी ई बुक आया करती थी उस पर आप खूब ढेर सारा प्यार देते ही थे। अब की ई बुक देखने के बाद आप कहोगे वाकई में बहुत ही शानदार है। तो आप देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च 2022, तीन महीनों का, क्योंकि आपके देखिए दोस्तों लगातार एग्जाम्स लगे हुए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने तो ये भी क्लियर कर दिया है कि अगले 100 दिनों के अंदर कई सारी भर्तियां क्लियर करवाओ। इसके अलावा एसएससी का लगा हुआ है एग्जाम, लगा हुआ है एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये पिछला तीन महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खासतौर से जनवरी, फरवरी और मार्च के इस बार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टाइप की ई बुक लाई गई है। इसमें देखिए किस प्रकार से चीजें मिलेंगी, ये पूरा ये तो आपको मिल जाएगा थंबनेल, यहाँ पर डिटेल है। और इंडेक्स में अगर आपको मैं दिखाऊं, इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में आप देख पाएंगे कौन क्या है, दिवस, थीम, नियुक्तियां, ये तो पहले भी था। अभी बिल्कुल मत जल्दबाजी कीजिए, ये इंडेक्स देख करके मत जाइए कि ये तो पुरानी वाली ई बुक है। इस बार देखिए नए तरीके से आएगा, इंडेक्स सेम है वैसे ही जैसे पिछली ई बुक्स में रहता था, लेकिन इस बार अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो ई बुक की हमारी खासियत रही है, जो बाकी की ई बुक्स में भी मिलेंगी आपको, कि आपको जैसे कौन क्या है दिया जाता है, इसके बाद राज्य राजधानी, उसके राज्यपाल, सीएम और राज्य का स्थापना दिवस, ये तो दिया ही जाता है। इसके अलावा भारतीय जो संघ शासित राज्य हैं, अर्धसैनिक, फिर कौन कौन से किस पद पर हैं, ये भी पूरा अच्छे से दिया जाता है। गुप्तचर देखो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको ये मिलती है। इसके बाद आप उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और उनके चीफ जस्टिस देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय पूरा अच्छे से दिया गया है, केंद्रीय मंत्रालय को आप देख सकते हो। बजट, केंद्रीय बजट 2022, दोस्तों ये भी बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा इमेजेस के माध्यम से हर एक पॉइंट डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या किसको मिलने वाला है। बैंकिंग सेक्टर को क्या किया गया है, डिफेंस सेक्टर को क्या दिया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए, एमएसएमई के लिए, सारा कुछ दिया गया है। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो अभी तक पुरानी ई बुक वाला ही है, समझो कि वही कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ये तो उसमें भी दिया जाता है। नया क्या है, नया देखोगे आप, देखो ये तो दिवस थीम हुआ, नया मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अभी नई नियुक्तियां जो हुई ये हुआ, इसके बाद आगे आते जाओ निधन हुआ, ठीक है ना, ये सारा चीज देख रहे हो आप, टॉपिक बाय टॉपिक मिल रहा है। इसके बाद इस्तीफा, संन्यास, पुस्तकें, लेखक और सैन्य अभ्यास, ये सभी चीजें आपको मिला, ब्रांड एम्बेसडर मिला, ठीक है, देशों के बीच। अब से देखो क्या होगा कि आपके पास जो भी ये महत्वपूर्ण डिटेल्स वाली चीजें हैं, इसका क्वेश्चन और इसके बाद जस्ट नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये फॉर्मेट से आप और भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे। देखो अब आपको पता लग पाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो बिल्कुल किसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद डिटेल्स देख लो सब कुछ, बिल्कुल जो भी टफ टिपिकल वर्ड है उनको इंग्लिश में भी किया गया है, और आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे रक्षा प्रतिरक्षा चल रहा है इसमें भी जनवरी, अब ये फरवरी का हुआ रक्षा प्रतिरक्षा, इसके बाद मार्च का हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसके बाद अगला चैप्टर आप देखेंगे तो अगला चैप्टर इधर सूचकांक और रैंकिंग, इंडेक्स और रैंकिंग, आप देखेंगे पूरा डिटेल्स, फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, ठीक है ना, ये देखिए आईआईटी मद्रास, ये रैंकिंग पूरा सब कुछ आप देख पाएंगे इधर फरवरी से, आप देख लो हर एक डिटेल। यहां पर मैं ज्यादा देर रुक करके नहीं, देखो आप स्टैटिक्स भी देखोगे, एक कोई रैंकिंग आ रही जीडीपी ग्रोथ रेट तो सबका पूरा, अगर कोई भी कई देश का नाम आ रहा है तो देश के बारे में डिटेल कि कौन क्या है उसका, सारी डिटेल जानकारी, मतलब इस प्रकार की ई बुक समझ लो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है किसी भी एग्जाम के लिए। आप जानते ही हो हमारी ई बुक्स का तोड़ अभी तक वैसे भी नहीं था, और हम लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं आप लोग के लिए, कि कैसे कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जा सके, और आप लोग कैसे ज्यादा समय तक चीजों को याद कर सको। आप लोग के मन में डाउट रहता था ना सर क्वेश्चन कहाँ से पाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर करेंगे, ई बुक होता था तो डिटेल रहता था, तो बहुत लोग डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है अगर क्वेश्चन होता तब मजा आता, क्वेश्चन आंसर पढ़ते, तो देखो बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चन लो, इसी के नीचे आंसर है, इसके बाद इसको छिपाए रखो,
प्रैक्टिस कर लो, छिपाए रखो, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस होगी। और हर एक चीज चैप्टर बाय चैप्टर है। आप देखोगे इधर अभी सूचकांक चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ, मोबाइल ऐप और पोर्टल। तो मोबाइल एप्लीकेशन और उसके पोर्टल के बारे में आप यहां पर जानकारी पा सकते हो, जो जो पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर अगर आप देखोगे, अगला चैप्टर अगर आप देखोगे कौन सा है, चलिए दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर आयोजन और सम्मेलन, कौन कौन सा आयोजन कहां कहां पर हुआ, बिल्कुल मंथली वाइज, जनवरी में कौन कौन सा सम्मेलन हुआ, फरवरी में आयोजन और सम्मेलन कहां कहां पर हुए, ये सारी डिटेल्स दी गई है। फिर महोत्सव मेले, अब महोत्सव मेलों में भी आप देखोगे पूरा अच्छे से डिटेल, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स के साथ साथ दोस्तों देखिए इसके स्टैटिक्स भी दिए गए हैं, लद्दाख आया तो लद्दाख के अन्य महोत्सव भी कौन कौन से हैं। ये इतनी जानकारी, इतना डिटेल्स दोस्तों आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। आप इस ईबुक को ले सकते हो MZT ऐप पर। देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे महोत्सव यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। जो भी चीजें आती हैं उसका स्टैटिक बहुत अच्छे से दिया जाता है, तो आप ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप दोस्तों चाहे NTPC की तैयारी कर रहे हो, NTPC CBT 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सिंपली MZT ऐप डाउनलोड करना है और इस ईबुक को जाकर के परचेज कर लेना है। सिर्फ 49 रुपए में तीनों महीने का मिल रहा है, यानी कि अभी तो 11 रुपए डिस्काउंट पर ही मिल रहा है। हमारे मंथली करंट अफेयर की ईबुक आपको 20 रुपए में मिलती है, BCI 60 होता है, ये 49 में मिल रहा है, अभी के लिए मिल रहा है। और इसमें तो ये खास तौर से ये शानदार चीजें भी ऐड करी गई हैं, जिस पर काफी ज्यादा मेहनत लगा है, काफी ज्यादा एफर्ट लगा है, बस इसलिए लगाया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चीजें एक ही जगह पर मिले और उनको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके आंसर किस प्रकार के होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। तो कैसी लगी है वीडियो आप लोग हमें बताना जरूर कमेंट करके। ये वीडियो के माध्यम से हमने रिव्यू भी किया ईबुक का, ईबुक को भी लोग बहुत लोग देखना चाहते थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन का, वहां से भी जाकर के आप ले सकते हैं या फिर इंस्टा मौजू से भी जाकर के आप ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं क्वेश्चंस भी, ओके। तो एक्सप्लेनेशन जो है उसमें जो टिपिकल वर्ड है वो भी आपको इंग्लिश कर दिया गया है, जो टफ वर्ड्स है, यानी आपको बिल्कुल आम भाषा में समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी आएगी, पूरा अच्छे से समझा करके ईबुक बनाया गया है। छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।